हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक बेबी कैप बनाऊंगी फ्रेंड्स, देखिए इसी डिज़ाइन का बनाऊंगी। अगर आप लोग को ये डिज़ाइन पसंद आता है तो वीडियो को पूरा देखिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं दो कलर का ऊन ले ली हूँ, इसी कलर से बनाऊंगी फ्रेंड्स। देखिए एक मैजिक रिंग बना ली हूँ, अब चैन बनाएंगे। एक दो तीन के फ्रेंड्स, तीन चैन हो गया। अब डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक दो दो डबल क्रोशिया हुआ फ्रेंड्स। इसी तरह करके हम टोटल 14 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। हम 2 ईयर्स बेबी का बना रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आप 0 to 3 month बेबी के लिए बना रहे हैं तो 11 डबल क्रोशिया बनाएं फ्रेंड्स। अगर 3 to 6 month के लिए बना रहे हैं तो 12 डबल क्रोशिया बनाएं। 6 to 1 years के लिए बना रहे हैं तो 13 डबल क्रोशिया बनाएं फ्रेंड्स। अगर 1 year से 2 years का बना रहे हैं तो 14 डबल क्रोशिया बनाएं फ्रेंड्स। हम 2 years का बना रहे हैं तो 14 डबल क्रोशिया बना रहे हैं फ्रेंड्स। इसी तरह बनाते हुए 14 डबल क्रोशिया पूरा कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, 14 डबल क्रोशिया पूरा हो गया। अब मैजिक रिंग को खींचते हुए टाइट कर देंगे। देखिए एक धागा खींचने से ये टाइट हो जाता है फ्रेंड्स। अब फर्स्ट चैन में इसको हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम जोड़ दिए। अब हम 3 चैन बनाएंगे। एक दो तीन। देखिए फ्रेंड्स, 3 चैन हो गया। अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए सेम स्पेस में हम डबल क्रोशिया बनाएं। हर एक चैन में हमको डबल चैन बनाना है फ्रेंड्स। फर्स्ट रोल में मेरा 14 डबल क्रोशिया था फ्रेंड्स, इसमें हमको 28 डबल क्रोशिया बनाना है। हर एक स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाना है फ्रेंड्स। इसी तरह बनाते हुए हम ये रोल पूरा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा दूसरा रोल पूरा हो गया। अब इसको हम जोड़ देंगे। फर्स्ट चैन में हमको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। देखिए फ्रेंड्स, हो गया। अब 4 चैन बनाएंगे। ये 4 चैन हो गया। नीचे का 2 डबल क्रोशिया स्किप करके हमको तीसरा में क्रोश डालना है फ्रेंड्स। देखिए एक डबल क्रोशिया हुआ, एक और चैन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे फ्रेंड्स। देखिए नीचे 2 डबल क्रोशिया स्किप करना है, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन बनाएंगे। फिर सेम स्पेस में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स। फिर एक चैन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। इसी तरह बुनते हुए हम ये तीसरा रोल पूरा कर लेते हैं फ्रेंड्स।
देखिए फ्रेंड्स, मेरा तीसरा रोल पूरा हो गया। अब इसको हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे फर्स्ट चैन में। देखिए फ्रेंड्स, ये टोटल 14 डबल क्रोशिया बना है। इसको अब हम इसमें जोड़ देंगे सिंगल क्रोशिया से। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हम 4 चैन लिए थे, हमको इसी में जोड़ना है। अब एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स। देखिए हो गया। अब चैन बनाएंगे, 1 2 2 चैन हो गया फ्रेंड्स। अब 2 चैन को स्किप करेंगे और फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर 2 चैन बनाए, फिर 2 चैन को स्किप करना है, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे और फिर 2 चैन नीचे का स्किप करेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बना लिए फ्रेंड्स, फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर नीचे का 2 चैन स्किप करेंगे। इसी तरह बुनते हुए हम चौथा रोल पूरा कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये चौथा रोल पूरा हो गया। अब इसको हम जोड़ देंगे। एक सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है फ्रेंड्स। देखिए अब चैन बनाएंगे, 1 2 3 4। अब सेम स्पेस में फिर एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए एक डबल क्रोशिया हुआ, एक चैन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम स्पेस में। देखिए फ्रेंड्स, 3 डबल क्रोशिया हो गया, फिर एक चैन बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, फिर एक चैन को स्किप करना है और दूसरा चैन में फिर सेम उसी तरह बनाना है। देखिए एक डबल क्रोशिया हुआ, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर एक चैन स्किप करके दूसरा चैन में हम सेम इसी तरह बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए फ्रेंड्स ये रोल पूरा कर लेते हैं। ये 5वां रोल है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह बनाते हुए हमको 5वां रोल पूरा कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा 5वां रोल पूरा हो गया। अब इसको हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे फर्स्ट वाला चैन में। देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट वाला चैन में हम इसको जोड़ देंगे सिंगल क्रोशिया से। अभी आगे वाला छेद में हमको फिर एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हो गया 3 चैन हुआ फ्रेंड्स। अब 2 डबल क्रोशिया स्किप करके इसमें हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। देखिए एक सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है, फिर 3 चैन बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, फिर 4 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और फिर एक सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे, फिर 3 चैन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया को स्किप करके हम इसमें जोड़ देंगे एक सिंगल क्रोशिया से।
फिर तीन चैन बनाएंगे, फिर चार डबल क्रोशिया स्किप करके एक सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। इसी तरह बुनते हुए हम छठा रोल पूरा कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स कैसा चैन बन रहा है। इसी तरह बनाते हुए हम छठा रोल पूरा कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स पूरा हो गया। एक सिंगल क्रोशिया से मैं इसको जोड़ दी हूँ और ये चार चैन बना ली हूँ। अब सेम स्पेस में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स। दो डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए एक हुआ, एक और। देखिए दो डबल क्रोशिया हुआ। अब एक चैन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स चार डबल क्रोशिया हो गया। अब एक चैन को स्किप करके दूसरा चैन में फिर सेम इसी तरह बनाएंगे। देखिए ये चैन को स्किप करना है, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स। देखिए एक डबल क्रोशिया हो। अब एक चैन बनाना है, फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम स्पेस में ही बनाना है। देखिए एक हुआ, दो डबल क्रोशिया हुआ फ्रेंड्स। अब एक चैन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम स्पेस में ही। देखिए चार डबल क्रोशिया हो गया। अब एक चैन को फिर स्किप करना है और फिर सेम इसी तरह दूसरा में बनाना है। इसी तरह बनाते हुए हम एक रोल पूरा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स पूरा हो गया। हम गिन के बताते हैं ये कितना हुआ। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। चौदह डबल क्रोशिया हम फर्स्ट में भी लिए थे फ्रेंड्स। अभी भी ये चौदह ही हैं, पर इसमें चार चार डबल क्रोशिया हैं फ्रेंड्स। देखिए अब हम इसको एक सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिए। एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं, उसके बाद तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन। फिर दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इसमें फिर एक सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स फिर तीन चैन बनाएंगे और फिर दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और फिर एक सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। इसी तरह करते हुए हम आठवां रोल पूरा कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है क्योंकि मैं इसमें बहुत स्लो बना रही हूँ, क्योंकि अगर इसको कोई बनाना चाहते हैं तो अच्छे से बना पाए। अगर एक बार में आप लोग को ठीक से समझ में नहीं आता है फ्रेंड्स तो इसको दोबारा देखें तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इसी तरह बनाते हुए हम आठवां रोल पूरा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये नौवां रोल है। देखिए हम तीन चैन बनाए और फिर डबल क्रोशिया बनाए, फिर दो चैन बनाएंगे फ्रेंड्स, फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, फिर दो चैन बनाएंगे, फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स। सेम स्पेस में ही बनाना है। देखिए फ्रेंड्स छह डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर एक चैन को स्किप करना है, ये चैन को स्किप करना है फ्रेंड्स। अगला चैन में फिर सेम इसी तरह बनाना है। देखिए एक डबल क्रोशिया हुआ, दो, फिर दो चैन बनाएंगे, एक दो, फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, फिर दो चैन बनाएंगे फ्रेंड्स, फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए फ्रेंड्स
हम नौवां रोल पूरा कर लेते हैं। एक चैन बीच में स्किप करना है फ्रेंड्स, फिर दूसरा चैन में बनाना है। देखिए फ्रेंड्स कैसा बन रहा है, इसी तरह बनाते हुए हम ये रोल पूरा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसी तरह बनाते हुए नौवां रोल पूरा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स नौवां रोल पूरा हो गया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह। देखिए फ्रेंड्स अभी भी 14 स्टेप ही हैं फ्रेंड्स, पर इसमें 6 डबल क्रोशिया करके हैं। अब सिंगल क्रोशिया से इन दोनों को जोड़ देंगे फ्रेंड्स। देखिए हो गया, अब चैन बनाएंगे। अब 10वां रोल होगा फ्रेंड्स। एक, दो, तीन, तीन चैन हुआ। अब दो डबल क्रोशिया स्किप करके सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिए फ्रेंड्स। फिर एक, दो, तीन, फिर दो डबल क्रोशिया स्किप करके सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। देखिए एक, दो, तीन, फिर चार डबल क्रोशिया स्किप करके सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर देखिए तीन चैन लिए, फिर दो डबल क्रोशिया स्किप करके सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिए। फिर चार डबल क्रोशिया स्किप करना है फ्रेंड्स। एक बार दो, एक बार चार डबल क्रोशिया स्किप करके एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह बनाते हुए फ्रेंड्स हम ये 10वां रोल पूरा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स एक बार में दो डबल क्रोशिया स्किप होता है, एक बार में चार डबल क्रोशिया। ये डिजाइन बहुत ही इजी है फ्रेंड्स और देखने में बहुत सुंदर लगता है। देखिए इसी तरह बना के मैं पूरा कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स 10वां रोल पूरा हो गया। अब इसको जोड़ देंगे। ये फर्स्ट वाला चैन में इसको एक सिंगल क्रोशिया के हेल्प से जोड़ देंगे फ्रेंड्स। देखिए हो गया, अब चैन बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स एक, दो, तीन, चार, चार चैन बना लिए। अब डबल क्रोशिया बनाना है। एक, दो, फिर दो चैन बनाएंगे, फिर दो डबल क्रोशिया बनाना है, फिर दो चैन बनाएंगे, फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए फ्रेंड्स हमें 11वां रोल पूरा कर लेते हैं। आपका अगर 0 to 3 मंथ बेबी है फ्रेंड्स तो 11 रोल ही रहने दें। हम इसमें 17 रोल बनाएंगे। जैसे हम ये 10वां और 11वां रोल बनाए सेम इसी तरह हमको 17 रोल बना के पूरा कर लेना है फ्रेंड्स। हम 2 ईयर्स बेबी का बना रही हूँ, पूरा कर लेती हूँ फ्रेंड्स इसी तरह बना के। आप इससे कम या ज़्यादा रोल बना सकते हैं फ्रेंड्स, अपने साइज़ के अनुसार बना लें। देखिए फ्रेंड्स ये 11वां रोल है, इसी तरह हम 17 रोल बना के पूरा कर लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, 13, 14, 15, 16, 17। देखिए फ्रेंड्स मेरा 17 रोल पूरा हो गया। देखिए फ्रेंड्स फिर तीन चैन बनाएंगे के एक, दो, तीन, और फिर उसी तरह हमको एक लाइन बनाना है। एक बार में दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, फिर दोबारा में चार डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। जैसे अभी हम ऊपर में बनाए चैन फ्रेंड्स सेम उसी तरह बनाना है। देखिए एक बार में दो डबल क्रोशिया स्किप करते हैं, फिर दोबारा में चार डबल क्रोशिया स्किप करते हैं। इसी तरह बना के हम ये 18वां रोल पूरा कर लेते हैं फ्रेंड्स।
देखिए फ्रेंड्स, ये 18 रोल पूरा हो गया। अब ये चैन जो है इसके अंदर से क्रोशिया डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीन चैन बनाएंगे, फिर ये चैन जो है फ्रेंड्स इसके अंदर से क्रोशिया डालेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले लाइन में जो हम चैन बनाए थे और सिंगल क्रोशिया से जो ज्वाइंट किए थे उसी के बीच में हमको क्रोश डाल के सिंगल क्रोशिया बनाना है फ्रेंड्स। फिर तीन चैन बनाएंगे, फिर उसके बीच में क्रोश डाल के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए ये 19वां रोल हम पूरा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पूरा हो गया। देखिए दो चैन बनाए, एगो नीचे तरफ है एगो ऊपर तरफ है। देखिए फ्रेंड्स, दोनों को ज्वाइंट कर दिए और फिर चार चैन बनाएंगे। देखिए चार चैन हो गया। अब दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक दो तीन डबल क्रोशिया हो गया। अब दूसरा चैन में बनाएंगे दो डबल क्रोशिया, एक दो। अब फिर इसके आगे वाला चैन में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए हम एक रोल पूरा कर लेते हैं। एक चैन में दो डबल क्रोशिया और दूसरा चैन में तीन डबल क्रोशिया बनाना है फ्रेंड्स। देखिए कैसे बन रहा है। इसी तरह बनाते हुए हम एक रोल पूरा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा एक रोल पूरा हो गया। देखिए एक चैन में तीन डबल क्रोशिया बनाए, एक चैन में दो डबल क्रोशिया बनाए। अब ये दोनों को जोड़ देंगे। ये फर्स्ट वाला चैन में इसको एक सिंगल क्रोशिया के हेल्प से जोड़ देंगे फ्रेंड्स। देखिए जुड़ा गया। अब तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन। देखिए फ्रेंड्स, अब एक चैन के अंदर से क्रोश डालना है और देखिए कैसे हम डाल रहे हैं और अंदर से ऊन निकालते हुए डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार हम ऊपर से क्रोश डालें, इस बार हम अंदर से डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स कैसे डाल रहे हैं, अंदर से भी क्रोश डालते हुए डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए अब इस बार ऊपर से डालेंगे। देखिए ऊन को खींचते हुए डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह फ्रेंड्स बनाना है, एक बार अंदर से क्रोश डाल के और एक बार ऊपर से क्रोश डाल के डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह बनाते हुए हम ये रोल पूरा कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए कैसा बन रहा है। सेम इसी तरह बनाना है फ्रेंड्स, इससे अच्छा लुक आता है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये रोल पूरा हो गया। अब हम फर्स्ट वाला चैन में इसको एक सिंगल क्रोशिया के हेल्प से जोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक सिंगल क्रोशिया के हेल्प से हम जोड़ दिए इसको। अब ऊन को हम कट कर देंगे और इधर क्रोशिया को खींच देंगे जिससे कि उसमें एक नॉट लग जाएगा। ये एक्स्ट्रा उनको हम अंदर की तरफ देके कट कर देंगे फ्रेंड्स। देखिए हो गया। अब इसमें हम दूसरा कलर ऐड करेंगे फ्रेंड्स। दो कलर में ये ज़्यादा अच्छी लगती है, आप एक कलर का भी बना सकते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, अब हम तीन चैन बनाएंगे। देखिए एक सिंगल क्रोशिया हुआ, अब तीन चैन बनाएंगे। एक दो तीन, तीन चैन हुआ फ्रेंड्स। अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए दो तीन चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस। देखिए फ्रेंड्स, हम टोटल 10 डबल क्रोशिया बना लिए। अब एक चैन को स्किप करेंगे। देखिए इस चैन को स्किप करना है और उससे आगे वाला चैन में फिर हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह बना के पूरा कर लेते हैं फ्रेंड्स एक रोल। एक चैन में 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चैन को स्किप करेंगे। इसी तरह बनाते हुए पूरा कर लेते हैं फ्रेंड्स। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। देखिए फ्रेंड्स, 14 पब बन गया है। अब दोनों को हम ज्वाइंट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक सिंगल क्रोशिया के हेल्प से ये दोनों को हम जोड़ देंगे। ये फर्स्ट वाला चैन में जोड़ है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये तीन चैन बनाए। अब एक चैन के अंदर से क्रोश डालना है। देखिए कैसे डाल रहे हैं। और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हो गया। फिर एक चैन बनाएंगे, फिर दूसरा चैन में हम क्रोश डालेंगे और फिर डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, दो डबल क्रोशिया हुआ। फिर एक चैन बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए हम एक पत्ती पूरा कर लेते हैं। नीचे 10 डबल क्रोशिया था फ्रेंड्स और ऊपर में भी 10 डबल क्रोशिया ही होगा। एक बार क्रोश डालेंगे और फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर क्रोश डालेंगे। इसी तरह करते हुए हमको पूरा एक रोल बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये 10 डबल क्रोशिया हैं। इसी तरह बनाते हुए हम पूरा कर लेते हैं फ्रेंड्स। हर एक चैन में एक डबल क्रोशिया बनाना है फ्रेंड्स। देखिए फिर एक चैन बनाना है। इसी तरह बनाते हुए एक रोल पूरा कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, एक रोल पूरा हो गया। अब दोनों को हम जोड़ देंगे एक सिंगल क्रोशिया से। देखिए हो गया। अब ये कलर का ऊन को हम कट कर देंगे और एक नोट लग गया फ्रेंड्स। अब दूसरा कलर ऊन इसमें ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीन चैन बनाएंगे। एक दो तीन, फिर एक चैन को स्किप करते हुए हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हो गया। फिर तीन चैन बनाएंगे, फिर एक चैन को स्किप करके हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, तीन चैन बना लिए, फिर एक चैन को स्किप करके एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह हम पूरा पब बना लिए हैं। देखिए अब दोनों पब के बीच में जो जॉइंट है फ्रेंड्स, इस जगह हम दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे फ्रेंड्स।
हर पब के बीच में जो दोनों सटा डबल क्रूसियाँ रहता है उसको हम दो डबल क्रूसियाँ स्किप करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दो डबल क्रूसियाँ स्किप किए, उसके बाद एक सिंगल क्रूसियाँ बना रहे हैं। इसी तरह बनाते हुए हम एक रोल पूरा कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए कैसा लुक आ रहा है। इसी तरह बनाते हुए हम एक रोल पूरा कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरा एक रोल पूरा हो गया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, इस जगह हम दोनों को ज्वाइंट कर दिया है एक सिंगल क्रोशिया से। अब इसके ऊपर आप एक फ्लावर भी लगा सकते हैं। ये फ्लावर डिज़ाइन मेरे चैनल पे मिल जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए एक बटरफ्लाई हम बना के रखे हैं। ये बटरफ्लाई का डिज़ाइन भी मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इसको आप आगे लगा सकते हैं जिससे कि बहुत सुंदर लुक आएगा फ्रेंड्स। ये डिज़ाइन आप लोग को कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।